हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रैप कांड। ऑफिशियल भगत ने एक डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया है पुलिस वाला रैपर जीवन के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं ऑफिशियल भगत कौन है। ऑफिशियल भगत भी एक नामी चेहरे हैं जम्मू कश्मीर हिप हॉप के। इनके भी काफ़ी रिक्वेस्ट, इनके जो फैंस हैं उनके भी काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि इन पे रिएक्ट करने के लिए। तो गाइज, अब आखिरकार वक्त आ गया है इनका पहला ट्रैक का मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, जो कि एक डिस ट्रैक है। इससे पहले मैं आज इनके इस कंट्रोवर्सी की वजह से इनके इनके और सेक्सो बीट का पूरा ट्रैक व्रैक चेक कर रहा था, तो इनका ट्रैक कश्मीर कर्फ्यू जो है वो मेरे को बहुत पसंद आया था। वैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये लोग ट्रैक जनरली नशे वशे पे बना रहे हैं, ये लोग नशा प्रमोट करते हैं। तो मैंने भी चेक किया इनके चैनल्स वैनल्स के, पूरे लगभग बहुत सारे वीडियोस चेक किया, तो इनकी जनरली नशे वशे पे ही वीडियोज़ हैं। पर ये तो इनका वाइब है जो भी है ये अपना बनाते हैं, तो फैंस प्रमोट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है। 109 सब्सक्राइबर हैं ऑफिशियल भगत के पास, बाकी सेक्सो बीट के पास भी लगभग 6000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइज, ये इनके फैन को पसंद आ रहा है तो हमें क्या इसमें प्रॉब्लम है। बाकी कुछ लोग जो जीवन के साइड से हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हाइप क्रिएट की गई है ये एक फेक हाइप क्रिएट की गई है। जैसे कि डिनी मैक ने वीडियो अपलोड किया तो प्राइवेट किया, जो डाउनलोड करने वाला इशू था ना, कि वो देंगे अपनी वीडियो शेयर करेंगे जीवन के मैनेजर को या जीवन की टीम को, वो लोग वहां से डाउनलोड कर लें क्योंकि अपलोड नहीं हो रही थी गूगल ड्राइव में, कुछ ऐसा बात हो रही थी। तो ये क्या जो इनके मैनेजर हैं वो कह रहे थे कि एक फेक हाइप क्रिएट की गई है, एक कॉन्ट्रोवर्सी प्लान कॉन्ट्रोवर्सी की गई है इस हाइप को बनाने के लिए। तो गाइस, जो भी है इशू, अभी हम इस हालात पे आ गए हैं कि अब डिस आने शुरू हो चुके हैं। तो गाइस, चलिए देखते हैं इनका पार्ले जीवन जो ट्रैक है इनका ऑफिशियल भगत का, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हियर वी गो। गैंग्स ऑफ वसेपुर का डायलॉग। हेलो, कौन जम्मू से पहला मैं? हाँ हेलो, क्या भाई पुलिस का सीन है? ओ भाई फक, ये डिस डायलिंग सो नंबर फोन पे। हेलो, कहाँ पे बाबा? जेके में जम्मू के बीचों बीच, तूने मेरे पीछे रोज, उनमें से एक है तू, कोई बड़ी बात नहीं, मैटर तेरा करू क्लोज। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है ठुल्ले मेरे पीछे रोज, उनमें से तू, मतलब पुलिस वालों में से तू भी एक है, मेरे पीछे ठुल्ले इतने घूम रहे हैं और उसमें से तू भी एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्दी से फेमस तू, अंदर से हार्ड नहीं, तेरी पहाड़ी दहाड़, जब भगत दहाड़े तू खा जाता साइको, फिर जय हिंद से पंगा तू, गुरु का सगा नहीं, तीर तूने मारा साला मिस फायर वो फुतून। जय हिंद का सगा, कुछ ऐसा लाइन थे, बैक करते हैं। दहाड़े तू खा जाता साइको, फिर जय हिंद से पंगा तू, गुरु का सगा नहीं, तीर। तो जय हिंद से पंगा तू, गुरु का सगा नहीं है, मतलब ये बोहिमिया से बोल रहे हैं। बोहिमिया के साथ जो इनकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, केडीएम छोड़ दिए हैं, तो वही ये बातें कह रहे हैं कि तू बोहिमिया या केडीएम या जय हिंद जो भी है उस ग्रुप का सगा नहीं है, जो जिनको तू आइडल मानता है अपना, तो वही बोल रहे हैं। तूने मारा साला मिस फायर वो फुतू निशाना, केडीएम पे लगा नहीं प्लान तेरा साले चला नहीं, इंस्टा और एफबी पे बिजी तू, इंस्टा पे फेमस तू वर्दी। तो ये कह रहे हैं कि केडीएम पे तूने निशाना मारा, तो केडीएम से तूने हाइप क्रिएट करनी चाहिए लेकिन वो हाइप मिली नहीं। इसे वायरल पर असली में गला नहीं, दो गला बंदा तू, तेरा एक गला नहीं, इतना ड्रग्स और फीड में फर्क है, लेकिन तुझे नहीं पता एजुकेशन है कम, तुझे सर तेरा खाली है, तेरे गाने तेरी आई ब्रो खट जैसे जाली है, जयशंकर दिल के हम अच्छे, तेरे जैसे बुरे नहीं, डेनिम शॉर्ट्स तेरी उल्टी टोपी, और बच्चों को धमकी तू हमसा नहीं हो जी। तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन है जो बच्चों को धमकी है, वो कह रहे हैं कि वही जो डिनी मैक वाला इशू है, वो कह रहे हैं, मतलब ऑफिशियल भगत कह रहे हैं कि तू बच्चों को धमकी दे रहा है, मतलब डिनी मैक को धमकी दे रहा है उस इशू के बारे में, अगर आपको पता है तो। बच्चों को धमकी तू हमसा नहीं हो जी, ये पहाड़ की दहाड़ तेरा चूतिया सा ट्रैक लगा, बैंग बैंग सुना तेरा, पहाड़ की दहाड़ चूतिया सा ट्रैक, भाई यहाँ पे तो गलत हो रहा है भाई। पहाड़ की दहाड़, उसका फ्लो देगा यार पैरी जी, उसके बाद जीवन का ट्रैक, क्या वाइब आई थी यार, क्या फ्लो था यार, खतरनाक फ्लो था यार, मुझे तो वाव वाली फीलिंग आ गई थी वो सुन के वाला पार्ट। तेरा कसम से वैक लगा, फ्लो मेरे 808 तरीके बदलने के, गेट रेडी जीवन कॉफिन कॉलिंग, 6 बजे बॉलिंग में सनसेट सा सेटिस्फाइंग, मुझ जैसे है नहीं भाई, एक साइको शहर में तुझे डुबा दूं, बहा दूं मैं फ्लो वाली नहर में, ठहर में आया भगत मुझे फोन दे, कान भाई रहने दे, थोड़ा सा सोन दे, बच्चे ये दैनिक को लगने दे काम पे, जब वो हिप हॉप अधूरा में, बच्चे दैनिक को लगने दे, दैनिक इनके मैनेजर है मेरे नाम के,
फुल टू फाइनल तेरा खेल करे खत्म दे डोंट नो क्या गाना लिखा है स्पाइडी पे हंसते ना 2500 होमी और कहते कि ये सस्ता इक्का है सच है जो लिखा इन्होंने स्पाइडी जे को डिस किया है आगे सुन घर को भी हमने ना खफा नहीं किया स्पाइडी जे को इक्का से कंपेयर करते हैं अपने आप को शायद एक पोस्ट में शायद उन्होंने स्पाइडी जे ने लिखा था मुझे अच्छे से याद नहीं है कि क्या मैं इक्का की तरह कुछ ऐसा कुछ था पता नहीं मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता चलिए आगे देखते हैं तेरे के पैसे का नशा नहीं किया डेविल से लड़ते नहीं जीवन को अकल नहीं डीप डाउन तू ओल्ड रफ्तार के नकली जीवन की अकड़ी अदे आसमान पे सो दफा रगड़ूंगा ये बातें जान ले लोडू तूने बोला तू मेरे पे रेड करेगा लेकिन माइंड मेरा बोले कि ये खेड करेगा ये फिर से ले जाएगा किसी के क्रेडिट और शाउट आउट फिर देगा ये धमकियां ले लूंगा लीगली एक्शन तो चूतिया सोचेगा मैंने इनसे पंगा क्यों लिया बीबीआई माफिया स्टेट और अर्निया निके होते तो मैं कसम बोहिमिया दे दूं इंसोमनिया नींदे उड़ा दूं मैं तेरी डोगरा को बरा तो गाइस अभी जो इन्होंने बातें कही हैं ये सब कल और परसों की बातें हैं रेड करूंगा और कुछ कुछ बातें जो इन्होंने स्टेटस में और इनके साथ चैट हुआ था ना ऑफिशियल भगत और जीवन का कुछ चैट वैट हुआ था वहाँ पे भसड़ मची थी तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें हैं अनपढ़ साले तेरे गानों का मतलब नहीं बाजू पे तेरी है गन वाला टैटू पर कच्चे जिगर में तेरे दिखे हरकत नहीं मेरे पे अकड़ना बच्चे को मत डरा हेलो कौन जम्मू से पहला मैं हेलो क्या भाई पुलिस का सीन है ओ भाई फक ये डिस डायलिंग सो नंबर अब इनका ये जो हुक है जो इन्होंने बनाया है 100 नंबर बच्चों को डरा रहा है तू ठुल्ला है मेरे पीछे ठुल्ले पड़े हुए हैं उनमें से तू भी एक है तो क्या फर्क पड़ता है हेलो कहाँ पे बाबा जेके में जम्मू के बीचों बीच अबे गांड ना खुला कपूर का डायलॉग मैं उस टोनर तेरे को क्या तेरे बाप से नहीं लिया अभी का नहीं हूँ मैं नहीं सालों से मैंने बस रैप ही किया कितने दिनों से मैं बिजी हूँ ढंग से मेरे बाबा ने भी नहीं लिया I'm smoking enemies like cannabis बहुत साल हुए दिन कभी गैप नहीं लिया तेरे खब्बे मुझे डिस करें घुटनों पे बैठे और बॉल मेरी लिख करें जान को लेके मैं पंजे पे रख लूँ कर दिया यार यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अच्छा अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा फ्लो मेरे को पसंद आ रहा है जीवन की फीलिंग्स को घंटे पे रख लूं मैं इस जैसा नहीं हूं जो मिनट में बदलता ये कैसा टाइम अब रैपर भी वर्दी की अकड़ में अकड़ता पुत्र तू अकड़ ले चुतर तू शक्ल से तू जैसे बंदे मोटे होते अकल से हाउ फनी मदरफकर मैं ही तो जम्मू पे गाने बनाता और मैं ही जम्मू से हिप हॉप उठाता आसिफा के वक्त इनकी कलम कहां थी उस पे भी रैप मेरा एक शायद कुछ एक सोशल इशू कुछ हुआ था ये सोशल कॉज कुछ पता नहीं क्या था आसिफा वाला मैटर शायद रेप से रिलेटेड था कि पता नहीं है मेरे को याद नहीं है तो इस पे कुछ कह नहीं सकता कलम कबा थी जीवन की हवा खराब है खुद को ये जानता नहीं कहां से आया ये तू ओवर एक्टर है कंटो की छाया में लोड़े के नीचे रखने वाला फैक्टर है हां मैं हूं बिगड़ा और तेरे वजन जितना फूक दूं कौन है तू तेरे जैसे बवे स्टूडियो गैंगस्टर वीडियो में रैपर कम ये ज्यादा एक्टर वो तू शक्ल वाले सीधे मुंह बात कर तेरे से पहले का मैं बैठा गेम में इज्जत कर बड़ों की तुम जैसे को मेरी बंदी हरा दे रैप बैटल में माइंडसेट ब्रोक तेरा दिमाग नहीं सेटल में मैं नहीं यूं करता ब्रो तो यहां पे भाई ये वाली लाइनें मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी यहां पे जो इन्होंने बोली है बोहेमिया ने तुझे ब्लॉक किया ये वाली बात मेरे को दिल पे लग रही है बोहेमिया ने मतलब पता नहीं क्या हुआ था अच्छे में सच में इशू ढंग से पता नहीं कि मतलब क्यों ब्लॉक किया था बोहेमिया ने क्या यार क्या रीजन हो गया कि बोहेमिया ने इन्हें ब्लॉक कर दिया इतना कैसे हर्ट हो सकता है एक फैन से जो कि उनको इतना अच्छे से तो मतलब बहुत मतलब आइडल है इनके सोचो छुपेगा तू ही कहता था ये नया फेम मेरे से नहीं हो रहा हैंडल साले तेरा दिल नहीं है साफ यू ओनली प्रिटेंडिंग के दिल का तू अच्छा है ये गलत फहमी ब्रो बीट इन योर एस जनता देखे तेरी तो ऑडियंस भी तेरी तरह अनपढ़ है भगत है रॉकी और ये साले कंकड़ है भाई अनपढ़ ऑडियंस ये भाई मेरे को बात गलत लगती है यार अनपढ़ ऑडियंस इतने लोग देख रहे हैं इतने लाखों लोग देख रहे हैं आप उन ऑडियंस को बोले हो अनपढ़ ऑडियंस क्या ये मेरे को बहुत गलत लगा भाई बच्चे को दे रहा ना सुसाइडल थॉट्स में तेरी ही सुसाइड का लेटर हूँ जम्मू की जनता और तेरी बदी जानती बाबे मैं भगत हूँ बाबे मैं बेटर हूँ हाँ कौन सी करता तू व्यूज की गिनती जब कल्चर से तेरा है दूर का नाता नहीं ट्रेंडिंग तू आईडीसी बस मेरे घंटे पे मेरा काम लेजेंड है हर बंदा जाने ये रियल ओजीस मदरफकर देता मैं साइको ना हर पिछले गाने में कॉप से बचता था स्ट्रीट्स में भागा था स्ट्रीट में चलता था तू था जब थाने में प्लेबॉय मदा खेल में तेरे से ज्यादा तेज ऑनलाइन नाता नहीं हूँ फिर भी लोगों में क्रेज चंडीगढ़ जाके रिप्रेजेंट करूँ जेके को पीने का दिल है तो फीवर तू ठेके को
पिया कीजे मेरे दोस्त, ज्यादा नहीं सोचो हम दारू नहीं पीते, इसके जैसे आते रोज 365 दिन मैंने सो जीवन घसीटे। गलती से गलत नहीं करना तुम शहर में, हिप हॉप के सगे नहीं जगे के गैर, ये चौधरी ये बार जाके बेइज्जती कर रखते, उस थाली में छेदते जहाँ का खाते, फेम के लिए पहले भी कर चुके डिस मुझे, मैं भावे दूर था फेम के लिए डिस कर चुके हैं डिस मुझे। मुझे लगता है ये स्पाइडी जे से रिलेटेड है। स्पाइडी जे ने अभी एक कुछ ट्रैक था 3 महीने पहले वाला जो अभी जीवन ने शेयर किया कि मेरी तरफ से तो स्पाइडी जे ही तेरे लिए काफ़ी है। डनी मारी और तभी मुझे लगे ये करे मिस मुझे, कुर्ता और कुंडी मुझ बोलना किस काम की, जब तुझ में जान नहीं अच्छा इंसान नहीं, अच्छा मैं स्मोकर नहीं तुझ जैसा लांती ना, अच्छा मैं स्मोकर नहीं तुझ जैसा लांती, मैं हूं स्टोनर, तेरे को क्या तेरे बाप से नहीं लिया, अभी का नहीं हूं मैं, नहीं सालों से मैंने बस रैप ये किया, कितने दिनों से मैं बिजी ही बिजी हूँ, ढंग से मेरे बाबा ने भी नहीं लिया, स्मोकिंग एनिमीज लाइक कैनबिस, बहुत साल हुए दिन कभी गैप नहीं लिया। तो गाइस ये डिस्ट्रैक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी बातें कही हैं मैंने पूरी एक्सप्लेन कर ही दी है। तो आपको क्या कहना है इनके इस ट्रैक पे, अगर मैंने कुछ मेरी बातें कुछ कोई भी आर्टिस्ट को ख़राब लगी हो तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मुझे जो लगा मैंने वही बोला है, जो मैं इशू देख रहा हूँ और मैं किसी की तरफ भी बायस नहीं हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है मैं वो डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, जो मेरे को लग रहा है दिख रहा है, जो मेरे को इनके फैन से इन्फॉर्मेशन मिल रही है या इनसे खुद जो मेरे को शेयर कर रहे हैं, सबको मैं देख के न्यूट्रली मैं अपने इस ट्रैक मतलब इस वीडियो में वो बातें कहाँ हूँ। तो गाइस दैट्स ऑल, आपको कैसी लगी ये वीडियो, इनका डिस्ट्रैक कैसा लगा, आगे क्या होने वाला है, कैसा सीन बनने वाली है, कैसी हाइप क्रिएट होने वाली है, ये सब के बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @rap_kand, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।